कई बार हमने देखा है शाम के समय थोड़ा शीतलता होती है तो माताएं दरवाजे पर बैठती हैं और दूसरों से बातें करती हैं। ये करना अत्यंत अशुभ माना गया। अपने दहलीज पर तो कभी भी बैठना ही नहीं चाहिए, लेकिन शाम के समय द्वार पर बैठ करके घंटों तक बात करना आपको गरीबी बना सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, तो आप धीरे धीरे गरीब बन जाओगे। इसलिए हर माताओं को, हर व्यक्ति को, परिवार के हर सदस्य को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शाम के समय द्वार पर इसलिए ना बैठें क्योंकि ये समय, ये बेला लक्ष्मी आगमन का समय होता है। अगर आप द्वार पर बैठ करके दूसरों से बात कर रहे हो और लक्ष्मी जी आ रही हैं तो अंदर आने का रास्ता बंद पा करके माता लक्ष्मी वहीं से वापस चली जाएंगी। इसलिए कभी भी भूल से भी शाम के समय द्वार पर बिल्कुल ना बैठें। और दूसरे नंबर में कहा कि शाम के समय पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें, क्योंकि शाम के समय आप अपने घर के पैसा रुपए बाहर देते हो तो माता लक्ष्मी उसी के साथ में आपके घर से निकल करके चली जाती हैं। इसलिए शाम के समय लेन देन बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। तीसरे नंबर में शाम के समय घर का कोई भी चीज दूसरों को ना दे या फिर दूसरे के घर से मंगा करके अपने घर में ना लाए। खास करके आप शाम के समय दूसरे के घर से लहसुन, प्याज, सुई और नींबू, खट्टी चीज, नींबू आदि खट्टी चीज़ें पड़ोसी से बिल्कुल मांग करके मत लाइए। हो सके तो कभी भी पड़ोसी से ऐसी चीज़ें ना मांगें, लेकिन विशेष करके शाम के समय ये चीज़ें पड़ोस से बिल्कुल मांग करके अपने घर में नहीं लाएं। ये नियम आप अवश्य बनाइएगा। और शाम के समय तुलसी को स्पर्श ना करें, क्योंकि शाम के समय में तुलसी मैया को अगर हम स्पर्श करते हैं, छूते हैं, पत्ता तोड़ते हैं तो भगवान विष्णु हमसे नाराज हो जाएंगे। ये काम भी आप बिल्कुल ना करिएगा। और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय, संध्या काल में, शाम के समय सोता है उसे आँखों के कुछ रोग उसको बन जाता है। इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए। शाम के समय तो भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये बेला भगवान का आगमन का समय होता है। इसलिए पूजा पाठ करिए। जैसे अभी हमने आपको बताई ये पांच बातें, ये पांच काम शाम के समय भूल से भी मत करिएगा। पहला, दरवाजे पर ना बैठें। दूसरे नंबर में पैसों का लेन देन ना करें। तीसरे नंबर में शाम के समय पड़ोस से खट्टी चीज़ें मांग करके ना लाएँ। चौथे नंबर में संध्या काल में तुलसी को स्पर्श ना करें। और पांचवें नंबर में शाम के समय शयन ना करें। ये पांच नियम अवश्य पालन करिएगा। ये पांच काम गलती से भी, भूल से भी कभी भी मत करिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना।